अगर जेनली कोई प्राइस कम करके दे रहा है तो कंडीशन ख़राब हो सकती है गाड़ी की और दूसरा जो ये बोल के दे रहा है कि मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरी गाड़ी का जो मैं प्राइस दे रहा हूँ वो इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा तो आप उसको चेक कर लें क्योंकि वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है बताने के लिए कि कहीं नहीं मिलेगा

लग्जरी भी है मिड सेगमेंट भी है हर टाइप की गाड़ियाँ मतलब मारुति से लेकर मर्सिडीज मर्सीडीज सारी हम लेके आए आज अपने पास मारुति से, से मर्सिडीज तक सारा सेगमेंट है एंड सबसे बढ़िया बात है भैया ये बात बोलते हैं जब भी कोई भैया से गाड़ी लेने आता है पहले गाड़ी चेक कराओ देन उसके बाद गाड़ी लेके जाओ हाँ, गाड़ी देखो आप कहीं से भी लो चाहे हमसे लो या किसी और डीलर से लो गाड़ी को क्रॉस चेक करा लो ज्यादा अच्छा रहता है भैया वो जरूरी है क्योंकि आप इतने पैसे लगा रहे हो लाखों रुपये लगा रहे हो तो जरूरी बिल्कुल अब नई गाड़ियां तो है नहीं कि हम शोरूम से लेके आते हैं कार्स गाड़ियाँ चेक करा लेते हैं ज्यादा बेहतर रहता है ये बात है एंड भैया बाकी सर्विस रिकॉर्ड सब घड़े मिल जाएंगे जी बिल्कुल मिल जाएंगे सर्विस रिकॉर्ड का आपको भी पता है कि वो रजिस्टर्ड ओनर की मेल आईडी पे जाता है ठीक है तो फिजिकली किसी को भी नहीं मिलता है बेसिकली बट क्रॉस चेक हो जाता है वो कस्टमर भी कर सकता है हम भी करवा देते हैं ओके ठीक है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं अगर आप लेने में हो तो आपको हो जाएगा ठीक है ना जी। इसके अलावा भैया अपना इंस्टाग्राम पेज बताइए किस नाम से है दी कारम पोरियो के नाम से इंस्टाग्राम पेज है दी कारम पोरियो के नाम से फेसबुक पेज है और जो व्हाट्सअप नंबर से वहाँ कैटलॉग अवेलेबल है आप कभी भी मैसेज करके ले सकते हैं ओके सो वो आपको फ्रंट में आपके नंबर आ रहा है कैटलॉग नंबर यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर लेना एंड यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी प्लस इसके अलावा आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर लेना और इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करते हो तो वहाँ पर आपको बढ़िया बढ़िया एक्सपेंसिव कार की रील्स भी देखने को मिलते रहते हैं तो वहाँ पर जाकर जूट फॉलो करना तो चले गए चलते हो शुरू करते हैं आज की इस ब्लॉग को स्वैद आज के लॉक की जो हम आपको सबसे पहली गाड़ी दिखाने वाले हैं ये है आपकी शेवलट की कैप्टेवा एच आर छब्बीस गुड़गांव नंबर गाड़ी है एंड भैया नंबर फैंसी बोल सकते हैं सेवन एट जीरो नाइन ही हो गया है सेवन एट नाइन जीरो होता तो फैंसी होता थे नंबर भी अच्छा इसमें आपको मिल रहा है तो भैया सबसे पहले हम शेयर करेंगे इस कार की डिटेल्स ये जो हम कैप्टेवा देख रहे हैं मॉडल कौन सा होगा ये टू थाउजेंड थर्टीन मॉडल है सेकेंड ओनर गाड़ी है सिर्फ बम्पर टचिंग है गाड़ी के अंदर बाकी पूरी गाड़ी ओरिजिनल है ठीक है और एटी टू थाउजेंड किलोमीटर्स डीवन आपकी और एक अल्टीमेट एस यू अपने टाइम की वो तो है भैया और आज भी इसके चाहने वाले इसको ढूंढते है गाड़ी को लेकिन अच्छी कंडीशन की मिलती मुश्किल से है एंड भैया सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब 9 साल पुरानी गाड़ी है एंड सिर्फ बम्पर टचिंग है आप काफी भाई सोचेंगे झूठ भी हो लेकिन आप चेक कर सकते हो ओनली बम्पर टचिंग है इस गाड़ी हाँ, चेक कर सकते हैं आप सिर्फ बम्पर टचिंग गाड़ी की पूरी गाड़ी अब भैया अब हम बात करते हैं इस गाड़ी का देने वाला प्राइस का जो फुल एंड फाइनल आपने देनी है अपने टेबल टेबल पे ऑन आज मैंने डिसाइड भी किया होगा कि जो भी आपके चैनल के थ्रू हम गाड़िया दिखा रहे हैं उनके रेट हम जो देंगे वो देने वाला ही बताएंगे देने वाला है कस्टमर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो नेगोशिएशन में टाइम वेस्ट ना हो किसी का सही बात है तो इसका जो प्राइस हमने रखा हुआ है जो देने वाला रेट है वो चार लाख पचास हजार तो और दूसरी आपको चैनल पे फोर पॉइंट सेवन फाइव नजर आ जाएगा इसका जो हमने डाला हुआ है ठीक है ओके अब हम नेक्स्ट दिखाएंगे आपकी मसेडीजी सी डी आई नहीं ये एम एल थ्री फिफ्टी थ्री ठीक है सो भैया सबसे पहले हम शेयर करेंगे ये मॉडल कौन सा क्या इसके डिटेल्स होंगे ये आपका टू थाउजेंड ट्वेल्व मॉडल है एंड सिंगल ओनर गाड़ी है और आपका नाइनटी नाइन थाउजेंड किलोमीटर ड्रीवन है नाइनटी नाइन थाउजेंड किलोमीटर ड्रीवन है डीजल वेरियंट में गाड़ी होने वाली है एंड ये हम बात करते हैं एम एल थ्री फिफ्टी सी डी एम आई थिंक मतलब एम एल टू फिफ्टी एम लाइक एयरमेटिक सस्पेंशन ही मिलता इसमें मिलता इसमें think, है इसमें अलाउंस भी जो है आई थिंक शायद आते हैं अपगेडेड है ना जी जी और गैस बता दूँ गाड़ी बहुत अंदर से वेल मेंटेन कंडीशन में मैंने आपको अंदर से इंटीरियर भी दिखाया बाकी आपको सर्विस रिकॉर्ड चाहिए इवन आपको भैया कंपनी चेक भी करानी तो वो भी आप कर सकते हैं हाँ ईज़िली हाँ, करा सकते हैं अब हम है। बात करेंगे इसका देने वाला भैया प्राइस क्या होने वाला है इसका जो हमने लास्ट प्राइस रखा हुआ फोटीन लैक से फोटीन लाख रुपीजी ठीक है बी अगर मैं बात करूँ अगर कोई यहाँ से आपसे कार परचेज करके भी लेके जाता है अगर अपने स्टेट में बेचा भैया आराम से इस गाड़ी पे दो से तीन लाख का मार्जिन आराम से कमा सकता है क्यों हाँ अगर डीलर जैसे आपको पता है करोलब आते हैं डीलर लेके जाते हैं गाड़िया है, वो नंबर ट्रांसफर कराने के बाद रेट बढ़ जाते हैं गाड़ी के वो तो है भैया तो इसका अगर वो ट्रांसफर करा के भी बेचते हैं तो दो लाख तीन लाख इसीलिए उनका मार्जिन बन जाता है क्योंकि यार आपको पता है दिल्ली में जो है फिलहाल टेन ईयर का टेन ईयर है ये फिलहाल दिल्ली एंड कई मेजर सिटीज में जो है टेन ईयर का टेन ईयर है बाकी भी है हर जगह आप इसके लिए पूरी वैलिड है आपकी गाड़ी है एन हाँ, ना सी सारी गाड़ियों के अवेलेबल है चाहे वो टेन ईयर एक्सपायर हो गया हो या टेन ईयर के अंदर हो ठीक है एनओसी हर जगह की मिलेगी ऑल स्टेट के आपको मिल जाएगी ठीक है सो ये आपको कॉस्ट करी गैस फोर्टी लाख रुपए जो कि आपको देने वाला पाई है और एनओसी का हम कोई चार्ज भी नहीं ले रहे हैं ठीक है सिर्फ चैनल के थ्रू जो आ रहा है जो आपके चैनल के थ्रू कस्टमर आएगा हाँ जी उसके लिए हम ओ को भी चार्जेस भी ले रहे हैं इंक्लूडिंग चलो ओके ठीक okay, है अब नेक्स्ट गाइस दिखाएंगे ये इसी का तो नहीं हो सकते लेकिन ये इसका बाप है गाड़ी मोस्ट रेपेड कार अवेलेबल इन मार्केट भैया सबसे ना इसकी लुक जो है मस्कुलर लगती है कहने को ये है ये इसे ना हाइट में बड़ी लग रही है लेकिन इस गाड़ी का कोई वो नहीं है मैच नहीं है इस गाड़ी का दोनों गाड़ियाँ डिफरेंट है मैच कर ही नहीं सकते वो तो है भैया अब ये जो है आपकी ऑडी क्यू सेवन है डी नंबर की गाड़ी है नंबर भी है फैंसी है थर्टी फाइव ट्वेंटी अब डिटेल पे आएंगे पहले मॉडल कौन सा होगा टू थाउजेंड ट्वेल्व मॉडल है ड्रवन यन लाख ट्वेंटी चली हुई है ओनर सिंगल होगा ओनर सेकंड है सेकंड ओनर है डीजल वेरिएंट में गाड़ी है डीजल वेरिएंट में गाड़ी अभी हम बात करेंगे इसका देने वाला प्राइस क्या होने वाला है इसका हमने जो लास्ट प्राइस रखा हो देने वाला साढ़े तेरह लाख है तेरह लाख पचास हजार थर्टीन लाख फिफ्टी थाउजेंड में क्या आपके ऑडी क्यू सेवन मिल जाएगी एंड बता दू गाड़ी बहुत ही वेल मेंटेन्ड है अंदर से मैंने आपको इंटीरियर दिखाया है प्लस गाड़ी भी अगर हम बात करते हैं ऑलमोस्ट भी है, कोई दिल्ली में तो इस गाड़ी पे थर्टीन लाख नहीं स्पेंड करेगा तो मतलब ऑलमोस्ट ये दोनों गाड़ी जो बाहर जाने वाली है हाँ बाहर जाने वाली गाड़ी बाहर जाए के, के जाओगे और अपने स्टेट में जाके इसको आप अच्छे मार्जिन पे बेच भी सकते हो

ये गाड़ी पूरी भैयानीटेंट है हाँ, पूरी गाड़ी है ओके ठीक है अब हम बात करते हैं भैया ये ओनर सिंगल ओनर सिंगल है अब बात करेंगे देने वाला होना है ओनर सिंगल है, और गाड़िया परसेंट गाड़ियाँ भी हम आपको बता दें इंश्योरेंस अच्छा। है गाड़ियों का भैया इंश्योरेंस बहुत जरूरी हम बात करें लग्जरी कार्य लग्जरी कार के इंश्योरेंस ही नब्बे हजार लाख के ऊपर ही जाते आपके पैसे बच जाते हैं बिल्कुल बच जाते बात करेंगे देने वाला प्राइस गाड़ी का क्या होने वाला है रखा हुआ वो साढ़े लाख रुपए है लाख so, में आपको गाड़ी मिल जाएगी बता दू, इस गाड़ी में कोई खर्चा नहीं करवाना गाड़ी पूरी कंपनी में है सनरूफ है अलॉयज है ऑटोमेटिक वेरियंट है ऑटोमेटिक सीट्स है प्लस गाड़ी आपकी सीटर है तो आपको चाहिए ठीक है ना सो so, इसकी हम बात करें एट लाख फिफ्टी थाउजेंड में गैर आपको गाड़ी मिल जाएगी गाड़ी जो है सनरूफ है इसमें आपको मिलेगा अलॉयवील्स है गाड़ी जो है मैनुअल है इलेक्ट्रिक सीट्स है साउंड सिस्टम है सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा जी ठीक है रेडी टू मेंटेन एंड ड्राइव गाड़ी है ना भैया जी या? जी सो नेक्स्ट अब आपके आ चुके हैं यूपी नंबर की पहली थी आपकी डीएल नंबर की अब नेक्स्ट डी यूपी नंबर वाला वाला कोई मेरा यूपी नंबर वाला भाई है इसको चाहिए गाड़ी तो इसके लिए जा सकता है और सबसे बढ़िया ब्लैक कलर की गाड़ी एंड कंपनी में कंपनी से नहीं ये कंपनी के नहीं डब्ल्यू सिक्स वेरियंट है अच्छा बट इसका इंटीरियर भी चेंज किया हुआ है अच्छा और अलोयज भी लगे हुए गाड़ी के अंदर मतलब आफ्टर मार्केट है आफ्टर मार्केट है और गाड़ी एक या दो पीस बम्पर को छोड़ के पूरी गाड़ी ओरिजिनल ब्लैक कलर ऐसा कलर है कि अगर पेंट होता है तो दूर से पता लग जाता है हाँ जी अगर आपको वीडियो में चमकती हुई नजर आ रही है गाड़ी तो ओरिजिनल होगा तभी आएगा अच्छा ठीक है तो मतलब गाड़ी के पास फ्रंट एंड बैक बंपर पेंटेड है जी सो भैया सबसे पहले गाड़ी की डिटेल में मॉडल कौन सा हुआ दो हजार किलोमीटर मॉडल है ओनर सिंगल है ओनर सिंगल है डीजल वेरिएंट में गाड़ी है डीजल वेरिएंट में इंश्योर्ड इंश्योर्ड है है सबसे बड़ी बात W6 है, है आपको मिल रहा प्लस अंदर जिनकी गाड़ी थी उन्होंने इंटीरियर इंटीरियर भी चेंज अंदर से। की पिक्चर्स आप देखेंगे तो गाड़ी आपको नॉर्मल डब्ल्यू सिक्स से काफी डिफरेंट लगेगी ठीक है अब हम बात करेंगे देने वाला प्राइस क्या होगा इस गाड़ी का साढ़े छह लाख रुपए एंड फाइनेंस टू थाउजेंटी है तो वन ईयर के लिए होगी ठीक है ठीक है ओके सो okay. सुगैत नेक्स्ट अब आपके आ चुके हैं फॉर्चूनर भैया हमारे कैप में आ चुके हैं गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है वे गर्मी रही है गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि हमसे वीडियो भी नहीं बनाया जा रहा है पसीना हमारी आंखों में जा रहा है लेकिन क्या है काम हमारा हमें गाड़ियाँ बेचनी भी है और कस्टमरों को अच्छी गाड़ियाँ दिलवानी भी है सही बात है करना पड़ेगा कुछ इसका सोल्यूशन नहीं है वो तो है भैया सुगत नेक्स्ट अब आपके आ चुके हैं यूपी फोर्टीन की फॉर्चुनर है भैया डिटेल शेयर करेंगे इस गाड़ी के हम ये टू थाउजेंड थर्टीन मॉडल गाड़ी है सिंगल ओनर है ऑटोमेटिक है और आपका नाइन्टी एट थाउजेंड किलोमीटर ड्रीवन है गाड़ी ठीक है और इसका प्राइस जो हमने रखा हुआ है देने वाला वो साढ़े ग्यारह लाख रुपये है एलेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ अब मार्केट में अगर आप देखते हैं तो मेरे हिसाब से जैसे लोग बोलते हैं कि चैलेंज है प्राइस का पूरे इंडिया का चैलेंज है तो आप चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया करो उनका और क्रॉसचेक जाके देखा करो ऑनलाइन वो चैलेंज फेल हो जाता है वहाँ पर वो सिर्फ वीडियो में बोलने के लिए चैलेंज होता है बट अगर आप जब ऑनलाइन जाके और साइट्स पर और चैनल्स पे देखते हैं गाड़ियाँ तो पता लग जाता है कि वो चैलेंज वाकई में बोलने के लिए था गाड़िया तो और भी सस्ती अवेलेबल है वेले वेले। है तरह से वो बोलने वाली है कस्टमर को गुमराह करने वाली कि आप इस टाइप से बोल दो कि मैं चैलेंज देता हूं। इस, इस रेट पे गाड़ी आपको कोई दे नहीं सकता चलो नहीं गैस, है। पता देखो भैया देखो सच्चाई बात है देते भी है लेकिन आप उनकी गाड़ी की कंडीशन देखो कहने को भैया आपको ये गाड़ी दस लाख में भी दे दे लेकिन आप गाड़ी कंडीशन देखो तब आपको पता चलेगा कि जो साढ़े ग्यारह लाख मांग रहे और दस लाख मांग रहे है दोनों ही बातें है मैं वही समझाने जा रहा हूँ अगर जेनवनली प्राइस कम करके दे रहा है तो कंडीशन खराब हो सकती है गाड़ी की और दूसरा जो ये बोल के दे रहा है कि मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरी गाड़ी का जो मैं प्राइस दे रहा हूँ वो इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा तो आप उसको चेक कर लें क्योंकि वो सिर्फ़ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है बताने के लिए कि कहीं नहीं मिलेगा अब चेक अब 2013 मॉडल है थर्टीन मॉडल गाड़ी है अभी इसका लोग कैसे पैसा मांगते हैं कि मैं चैलेंज देता हूँ कि साढ़े से नीचे कोई नहीं दे पाएगा मैं देखता हूँ कौन देता है यार चेक करो ना अब हम भी दे रहे हैं साढ़े ग्यारह की दे रहे हैं या तो आप ये है या तो अपना सौ वीडियो टटोलो तब उसमें पता हाँ, चलेगा कि हाँ।, हाँ भाई कौन दे रहा है और अगर दे रहा है तो उसकी पहले गाड़ी चेक करो और भेज की गाड़ी चेक करना रहे बिल्कुल बिल्कुल तो आप गाड़ी मैं जितनी भी गाड़ियाँ अभी जो आज आपके सामने लेके आए हम लोग मैं एक चीज़ की शोर्ट ही देता हूँ मुझे नहीं पता प्राइस आपको कैसा लगेगा बट मेरे हिसाब से बेस्ट प्राइस हमने रखा हुआ है लेकिन आप गाड़ी अगर ड्राइव करके देखते हैं तो इस चीज़ की गारंटी है कि आप गाड़ी को फेल क्वालिटी के हिसाब से नहीं कर पाओगे

सो so, इसकी डिटेल हो गई अब नेक्स्ट आपके आगे एक और फॉर्चुनर ये आपकी डी नंबर की वो आपकी यूपी नंबर की थी जी तो कहीं यूपी से मेरा भाई है तो इसके ऑप्शन के लिए जा सकता है टैक्स उसका बच जाएगा नेक्स्ट अब आपके आगे फॉर्चुनर भैया डिटेल पाएंगे ये 2012 मॉडल गाड़ी है सिंगल ओनर है ये भी ऑटोमेटिक है अब 2012 मॉडल गाड़ी अगर आप वैसे मार्केट में देखते तो आस्किंग लोगों का आता है ग्यारह लाख साढ़े लाख साढ़े लाख रुपया और हम लोग जो आपके लिए लेके आए हैं नौ लाख पैंतीस हजार रुपए मिलेगा कोई ये इतने की, की, की दे रहा है ना भैया प्राइस तो नो no डाउट जो भी मैं आपको गाड़ियों का प्राइस बता रहा हूँ आप कहीं भी चेक करेंगे आपको रीजनेबल और ही नजर आएगा बट स्टिल जिनका हाई नजर आता है वो कहते हैं क्वालिटी हमारी बेटर है तो मैं गारंटी देता हूँ क्वालिटी इन गाड़ियों की कैसी है मुझे पता है क्योंकि एक एक गाड़ी हम लोग पर्सनली दो सौ सौ किलोमीटर चला के देखते हैं ठीक है भैया और रीज़न सीधा सा है, कस्टमर आपको भी पता है बाहर लेके जाता है गाड़ी ड्राइव करके लेके जाते हैं हज़ार किलोमीटर बारह सौ किलोमीटर और गाड़ी बीच में ब्रेक डाउन हो जाए तो क्या फीलिंग आती है क्या बदवाएँ निकलती है दिल से बहुत है तो उस चीज़ से डर लगता है उसी चीज़ को को देखते हुए हम लोग आराम से गाड़ी को ड्राइव करते हैं और ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई जो गाड़ी हम लेके आए हैं वो हमारी गाड़ी में काम ही नहीं होता काम भी आते हैं माइनर वर्क भी आता है बट ये डीलर पर डिपेंड करता है कि वो जुगाड़ करता है काम करवाता है

और लोयल कस्टमर खो रहे हैं जो बार बार आता है आपके पास सही बात है तो वो नुकसान कस्टमर का नहीं कर रहे बेवकूफ़ बना के वो अपने पैरों पर पे गुलाड़ी मार रहे हैं सही बात है भैया सो so, इसकी डिटेल हो गई अब नेक्स्ट आपके हाथों के दो ऑडी एसिक्स एक वाइट कलर में है यू पी नंबर की और एक आपके एच आर नंबर की है सबसे तो पहले अभी हम आते हैं ऑडी एसिक्स यू पी नंबर की डिटेल पर ये टू थाउजेंड फोटीन मॉडल है सिंगल ओनर गाड़ी है कॉरपोरेट नंबर है प्राइवेट ट्रांसफ़र हो जाएगा एन ओ सी हर स्टेट की मिल जाएगी गाड़ी की अब इस गाड़ी का जो आस्किंग प्राइस हमने रखा हुआ है वो इलेवन लैक्स फिफ्टी थाउजेंड है अच्छा एन बी एट्र कितनी गाड़ी है

वो इस गाड़ी पे आराम से दो तीन लाख का प्रॉफिट ही कमाने वाले हैं। बिल्कुल कमाएंगे है? आपको ऑनलाइन चेक कर ले गाड़ी की तेरह लाख से नीचे कोई नहीं दे रहा होगा लो सही बात है ठीक है ना अब इसकी डिटेल हो गई अब के गैस, ये गाड़ी जो है बहुत ही वेल मेंटेन है सबसे पहले आएंगे डिटेल्स पे मॉडल कौन सा है अच्छा बात करेंगे ओनर ओनर सेकेंड है बात करेंगे क्या होने वाली जनरल प्राइस इसका जो हमने प्राइस देने वाला रखा वो साढ़े दस लाख रुपए ओके बाकी किसी को ब्लैक कलर की गाड़ी चाहिए आपको पता भी है ब्लैक कलर का आजकल ट्रेंड एक अलग बन चुका है में खासकर रॉयल कलर है गाड़ी शाइन ऐसे मारती है दूर से नजर आती है और ए सिक्स आपको पता है इसका ड्राइव कैसा होता है गाड़ी बहुत अच्छा जिसको ए सिक्स लेनी होती है उसके बाद कॉम्प्रोमाइज नहीं है दूसरी गाड़ी लेने का कोई ऑप्शन मैं आपको एक बात बता दूँ, बेसिकली ए सिक्स एक ऐसी गाड़ी है जिसको एंड गैजेट्स पसंद है ना उसके लिए गाड़ी है क्यों अगर इसको आप ए अगर इसको आप फाइव सीरीज और क्लास e से कंपेयर करके देखते हैं तो ये गाड़ी जो है एंड गैजेट से भरी पड़ी प्लस इस गाड़ी में आपको एक बहुत बड़ी ऑप्शन मिलता है जो कि आपको दोनों में नहीं मिलता वो है एयरमेटिक सस्पेंशन ये गाड़ी जो है एक से दो इंच तक लिफ्ट हो जाती है वो आपके जैसे कि मतलब वो आते हैं बम्प्स के ऊपर से तो ये बहुत अच्छी गाड़ी है इसकी डिटेल हो गई अब नेक्स्ट हम आपको दिखा रहे हैं दो डस्टर भी आज क्या बात है असल दो दो कॉम्बो रखे हैं दो आपके ए हो गई दो आपके फॉर्चुनर दो एक्सी भी हो गई कॉम्बो रखे जाता है अब नेक्स्ट फिर से दो डस्टर हम डर हमारे पास दो और हैं लेकिन ला नहीं पाए आज यहाँ पर क्योंकि गाड़ियाँ आपको ही पता है कि ऑफिस से शिफ्ट करने में और ले जाने में थोड़ा हेक्टिक होता है और ऊपर से वेदर ऐसा है लेकिन इसके अलावा भी और भी स्टॉक है जिसमें आपका एम भी मिलेगी टू रेंज रोवर भी है वोक भी है डस्टर और भी हैं तो ये गाड़ियाँ भी हैं ठीक है भैया अब आएंगे इसकी डिटेल पे हम 2013 मॉडल गाड़ी है सिंगल ओनर गाड़ी है 75,000 किलोमीटर ड्रिवन है और आस्किंग प्राइस इसका टू लैस थाउजेंड टू लैक सेवेंटी फाइव थाउजेंड सो गैस बता दू टू लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड आपको गाड़ी मिल जाएगी प्लस बता दूँ भैया अगर हम बात करेंगे अगर हम एक स्विफ्ट या स्विफ्ट डिजायर भी ले जाते स्विफ्ट भी लेने जाते इस रेट में तो आई थिंक स्विफ्ट भी नहीं मिलती है और आपको दो लाख पचहत्तर हज़ार में वो दे रहे हैं डस्टर और इतनी स्पेशियस गाड़ी है और ड्राइव इतना अच्छा है एवरेज अच्छी गाड़ी की तो मारुति स्विफ्ट से तो फार बेटर गाड़ी है ओके ठीक है सो नेक्स्ट गैस हम आपको एक और डस्टर दिखा रहे हैं ये जो है ये थोड़ा अपर वेरिएंट की गाड़ी है अभियान डिटेल पे आएंगे

सोलह हजार ड्रीवन गाड़ी है आप इस ऑप्शन के लिए जा सकते हैं बाकी सर्विस रिकॉर्ड इस गाड़ी का ही मिल जाएगा आपको सोलह हजार चली कोई भी गाड़ी मिलती है मैं ये कह रहा हूँ इसकी बात नहीं कर रहा रजिस्टर की कोई भी गाड़ी जो सोलह हजार किलोमीटर चली हो वो प्राइस सूट कर रहा हो तो आँख बंद करके ले लेनी चाहिए वो तो है भैया वो जस्ट लाइक ए न्यू है वो तो है भैया एंड नेक्स्ट टाइप आप टोयोटा की इटियोस आपकी ये भैया डिटेल पाएंगे दो मॉडल गाड़ी है सिंगल ओनर है एटी नाइन थाउजेंड किलोमीटर ड्रिवन है और आस्किंग प्राइस हमने जो गाड़ी का रखा हुआ वो 4, 50, है वो फोर लैख्स फिफ्टी थाउजेंड है फोर लैख फिफ़्टी थाउजेंड आपको मिल जाएगी भैया डीजल है पेट्रोल है ये डीज़ल वेरिएंट है मोस्ट अफोर्डेबल कार है इंडिया की इसका आपको ही पता है जीरो मेंटेनेंस है और ट्वेंटी फाइव प्लस का एवरेज है गाड़ी का ट्वेंटी फाइव प्लस का ट्वेंटी फाइव प्लस का एवरेज क्वेश्चन लगा था भी आपसे मानना लगाए एवरेज का देते हैं बात करो स्विफ्ट भी इतनी एवरेज देगी जितनी ये देती है कोई भी गाड़ी नहीं देती है अच्छा कोई भी गाड़ी अभी तक जो अवेलेबल है वो कोई भी इतना एवरेज नहीं देती है एक टोयोटा का लोगो ब्रांड वैल्यू और ट्वेंटी फाइव प्लस का एवरेज ये नहीं एक चीज वो है जो इंपॉसि एक तरीके से ओके सो गाइस 25 का भैया बोल रहा है एवरेज देती मुझे लगा था कि स्विफ्ट से भी ज्यादा देती होगी और भैया सच बात निकली हो नहीं भैया नहीं बोल रहे हैं कस्टमर जो इनको टोयटा का पता उनको ही पता है कि वो एवरेज के लिए बिकती है गाड़ी अच्छा अच्छा ठीक है तो भैया का कहना नहीं है मतलब कस्टमर का कहना है सो so, नेक्स्ट आज के लॉक की लास्ट कार आपकी आ चुकी है मरती सुधु की स्विफ्ट भैया डिटेल पे आएंगे ये थर्टीन मॉडल है आर एस वेरियंट है इसमें थोड़ा सा कंपनी से ये ब्लू ग्लासेस अंदर सीट आती है 80000 किलोमीटर ड्रिवन है गाड़ी सिंगल ओनर है और आस्किंग प्राइस इसका हमने रखा हुआ है 315000 आस्किंग है देना है 3 लाख रुपए की देनी 3 लाख रुपए में आपको दे देंगे इस गाड़ी को ठीक है गाइस बता दूं फिलहाल आज के लॉ में मैंने आपको ये बहुत अच्छी कार कलेक्शन दिखा दी है आज के लॉ में बेसिकली हमने ज्यादातर एसयूवीस पे फोकस किया है हमने मतलब मेजर ब्रांड आपके मर्सिडीज़ हो गई ऑडी हो गई एक्स यू वी हो महिंद्रा हो गई फार्चुनर हो गई मतलब मेजर ब्रांड की सारी गाड़ियाँ दिखा दी है बाकी जितनी भी आपको गाड़ियाँ दिखाई गई है सारी गाड़ियों के साथ आपको सर्विस रिकॉर्ड मिल जाएगा एंड इसके अलावा आप भैया को जाके फॉलो करेंगे द करमपुरी के नाम से इंस्टाग्राम पर तो वहाँ पर क्या होता है जब भी कोई नई कार आती है तो उनकी फोटो डिटेल्स वहाँ पर आपको सारी मिल जाएंगी एंड भैया ये बात पक्की है कि जो भी गाड़ी लेना चाहिए चाहे वो मारुति लेना है या मसीडीज़ बेंस लेना है सब गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड हम प्रोवाइड करवा के देंगे मैंने बताया सारी गाड़ियों का सर्विस रिकॉर्ड प्रोवाइड करवा देंगे गाड़ी कॉस चेक कस्टमर करवाना चाहे कस्टमर से करवा ले हमसे करवाना चाहे हम करवा देंगे क्रॉस चेक कर ले गाड़ी सर्विस रिकॉर्ड चेक कर ले गाड़ी का और जो डिटेल बोली गई है डिटेल वही रहेगी उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा ऑलमोस्ट गाड़ियाँ पूरी ओरिजिनल है एक दो पीस गाड़ियों के अंदर पेंट है सिर्फ नॉन एक्सीडेंटल कार्स है और सिर्फ आपने डीज़ल डलवाना है गाड़ी ने और चलाना इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं ओके तो मतलब ये कहना चाहते हैं भैया है कि मतलब ऑलमोस्ट सारी गाड़ी जो है मेंटेन है सर्विस हो रखी है बस गाड़ी की बस पे करो भैया को डीजल डलाओ और अपना चलते बना गाड़ी लेके क्यों क्योंकि साथ में हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहित जी साथ में एक चीज़ और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आप ही के चैनल से शुरू हो रही है कि नेक्स्ट वीडियो जब हम मोहित जी के साथ शूट करेंगे तो हो सकता है इस गर्मी के अंदर ना करना पड़े कि शोरूम के अंदर आराम से हम वीडियो बनाएंगे उसका अच्छा तो भैया ने एक और शोरूम अपग्रेड कर लिया। हाँ शोरूम अपग्रेड कर लिया जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हो जाएंगी पाँच सात गाड़ी आराम से अंदर लग जाती हैं तो वीडियो है। बनाने में इजी रहेगा रेगुलर वीडियोस भी आने शुरू हो जाएंगे चलो भैया कांग्रेट्स उसके लिए शोरूम के लिए तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शोरूम पे ही लेके मिलेंगे वहाँ पे आपको गाड़ियाँ दिखाएंगे बाकी गैर जो भी आपको गाड़ी दिखाई गई है पूरी वेल मेंटेन है आप आने से पहले आओ गाड़ी को चला के देखो ट्रेस देखो डॉक्यूमेंटेशन देखो इवन अगर आपको कोई भी गाड़ी चाहे आपको मारुति से लेकर मसीडीज वैन कंपनी चेक करानी है आप कराओ अपनी तसली करो देन उसके बाद आप गाड़ी परचेस करना सो मीट करता हूँ गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना शेयर करना मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में आपके लिए न्यू कार कलेक्शन लेके भैया के साथ तब तक लिए दोस्तों बाय बाय